अरे हमें 20 लाख का कच्चे बनियान का ऑर्डर मिला है तो बहुत खुशी का बात है, लेकिन एक तो समस्या है। हाँ समस्या है। वो ऑर्डर वो हमारे हमें शोरूम में देना चाहता है। ये जगह तो शोरूम के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। Absolutely. ओह मिस्टर ट्रेलर, बोलिए सर, क्या देखना चाहते हैं? मुजरा देखना चाहते हैं? प्रेम जी की दरअसल हमें एक दिन के लिए वो गुलफाम कली चाहिए थी। सॉरी भाई, गुलफाम कली तो क्या निकल ली? नहीं नहीं, वो लखनऊ एक शादी में गई है तो वो नहीं मिल सकती है। हा? तो अब हम कहां से लेकर आए मुजरे वाली? अरे भाई सुन, एक मेरी स्पेशल चाय बनाना, कॉकरोच वाली। इंतजाम किया आपने हमारे वेलकम का। लैला, आई लव यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेल मिस्टर रॉस, वुड यू लाइक टू हैव अ लुक? हमारा आप देखना चाहेंगे शोरूम, कच्चा बनियान देखना चाहेंगे? कम ऑन, कम। व्हाट अ जोक मैन, इतना शानदार शोरूम है। अब आप अपने शोरूम में कोई घटिया सामान तो रखेंगे नहीं? राइट जी, राइट सर। अच्छा सामान रखेंगे, मुझे शोरूम देखने का कोई जरूरत नहीं है, यू नो। तो फिर देर किस बात का है, ऑर्डर दे दीजिए। जी हम कब से पलके बिछाए आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ऑर्डर जी? ऑर्डर, योर ऑर्डर इज रेडी। तुम्हें मैं 20 लाख का ऑर्डर दूंगा एंड योर 20 लाख चेक इज रेडी। तिवारी जी, ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशंस तिवारी जी। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। ये सब आपका कमाल है भाभी जी। मिस्टर तिवारी जी, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है एंड यू नो व्हाट, ये मेरा बैग है, मेरा एक फ्रेंड आएगा, उसे आप ये हैंड ओवर कर देना, दैट्स इट। ओके सर, बिल्कुल, आप अपना ही घर समझिए। सो नाइस ऑफ यू, ब्लेस यू मैन। बाय 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 लैला, लैला ओ लैला। मुबारक हो तिवारी जी, मुबारक हो तिवारी जी। हमारा पेमेंट मैंने आपसे कहा था, अब डबल लगेगा। कम ऑन, गिव मी द मनी। अरे पहले चेक तो क्लियर होने दीजिए यार, अभी से घूर रहे हैं इतनी। ना अपफ्रंट पहला हमारा माल दीजिए हमें। कम ऑन। हां हां, दे देंगे दे देंगे यार। तो चचा लो अंगूरी है। भाभी जी, आपने हमारे कच्चे पे 4 चांद लगाए। सर जी, इट्स ओके ना, ये बार बार आप ये लाइन क्यों बोल रहे हैं? सॉरी, थैंक यू। चलो आओ पगली। हाँ, हाँ, चलिए। चलो चलो। जैन सर। जैन 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 साहब, साहब आपने हमें याद करो। तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो जो मैं तुम्हें याद करूंगा? ना ना, अब हमारा मतलब बुना तो साहब, हमारा मतलब जो तुम अपने मतलब की बत्ती बना और उससे अपने कान का मैल साफ करो।
क्योंकि कानून तो अंधा पहले से ही था, लेकिन तुम्हारे जैसे घटिया अफसरों की वजह से वो बहरा भी हो रहा है। क्या बात है साहब, आज ऐसा क्या हो गया कि आज आप इतनी अपसेट लग रहे? हमें अच्छा ना लग रहा। मैं अपसेट इसलिए हूँ क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस ने खबर ये दी है कि एक इंटरनेशनल आतंकवादी हमारे शहर में घुस आया है। क्या बात कर रहे साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ, वो आतंकवादी अपने साथ में RDX भी लेकर आया है ताकि वो हमारे देश में, हमारे शहर में तबाही मचा सके। तो साहब जमौका पे हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें गुलफाम कली के पास जाकर ऐश करनी चाहिए। साहब ये भी मुझे समझाना होगा। अरे ढूंढो उस आतंकवादी को जाकर। हाओ हाओ साहब, हाओ जैन साहब, हाओ हाओ। अरे ये सब ठीक है, रहने दो, सही सब ठीक है, जाओ यहाँ से निकट तू कहीं का। सलामत साहब बन गया। अरे साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। लड्डू के भैया, आप तो बहुत 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 ही खुश नजर आ रहे हैं। अरे पगली, आज का दिन हमारे जीवन का सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। हम कहाँ सोच रहे हैं लड्डू के भैया, कहाँ कि आप ये 20 लाख का क्या करेंगे? 20 लाख का पगली, हम एक कच्चे बनियान का बड़ा सा शोरूम खोलेंगे। सही पकड़े हैं। हम भी बिल्कुल ऐसा ही सोचे थे कि आप वो खोके को बंद करके। मतलब साहब सही पकड़े हैं। उसको बंद करके एक शोरूम खोल लीजिए। चलो ठीक है, फिलहाल थोड़ा खबर वबर सुन ली जाए। नमस्कार, आप सभी कानपुर वासियों के लिए एक बहुत जरूरी सूचना। क्या सूचना है बेटे? आप सभी कानपुर वासियों को अलर्ट किया जाता है कि हमारे कानपुर शहर में एक इंटरनेशनल आतंकवादी घुस आया था जिसका नाम है एंथोनी गोंसाल्विस। इसे हमारी कानपुर पुलिस ने होटल ब्लू मून से धर दबोचा है। इस आतंकवादी के पास से एक नकली पासपोर्ट बरामद हुआ जिस पर इसका नाम रोस टेलर ऐसा लिखा गया था। रोस टेलर तो हमने अमेरिका वाले क्लाइंट का नाम है। नहीं, हो सकता है शायद कोई और हो। नहीं पगली, चलो कोई बात नहीं। ये देखिए उसकी तस्वीर। इस आदमी पे तो मुझे पहले से ही शक था। शक था तो बताया क्यों नहीं तुमने हमें, डाक में क्यों रखा? अब नहीं बताया, बताती तो कौन सा तुम लोग मेरी बात पे यकीन कर लेते। पर एक्चुअली अनु, मुझे भी ना उस आदमी के हाव भाव देख के ना लग रहा था कहीं ना कहीं गड़बड़ है यार, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अच्छा, तुम तो बड़ा उछल रहे थे उसके सामने, सेल्समैन बने हुए थे। तुम उछल रही थी तिवारी जी, कंग्रेचुलेशंस। मैं कह रहा था वो सब बढ़िया। और तिवारी जी, भाभी जी, आपने हमारे कच्चे में 4 चांद लगा दिए। डैम स्टुपिड। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, ये लाइन मत बोलो, ये देखो आगे क्या बोल रहा है। विश्वसनीय सूत्रों और CCTV फुटेज से ये पता चला है कि ये आतंकवादी अपने साथ भारी मात्रा में RDX लेकर आया था जिसके जरिए ये देश में आतंकवाद की किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। Oh my God! लेकिन कानपुर पुलिस की मुश्किल ये है कि उन्हें वो बैग नहीं मिला जो CCTV फुटेज में उस आतंकवादी के हाथ में देखा गया था। पुलिस को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उस बैग में भारी मात्रा में RDX है। कहीं ये बैग वही तो नहीं है जो वो तिवारी जी के पास छोड़ के गया था? Baby, I'm sure. ये वही बैग है। पुलिस को शक है कि उस आतंकवादी ने वो बैग कानपुर शहर में ही कहीं छिपाया है। बल्कि पुलिस को यह भी शक है कि कानपुर शहर के कुछ नागरिक इस आतंकवादी से मिले हुए हैं।
अरे इस वक्त घंटे किसने बजा दी? कहीं वो आतंकवादी दोबारा तो नहीं आ गया? अरे नहीं बाबा, वो आतंकवादी तो पुलिस की गिरफ्त में। कहीं पुलिस तो नहीं आ गई? भाभी भी घर पर है। पारी जी आए, जाओ खोलो दरवाजा। चिल्ला क्यों रहे, अंदर आइए। तिवारी जी क्या करते हैं आप? आपको मैंने कहा था ना कि घंटी मत बजाइएगा, आवाज लगाइएगा। सुनते नहीं बह रहे हैं। भाभी जी क्या हो गया, ये क्या हो गया? तिवारी जी सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने हम सबको इस लफड़े में फंसा दिया। एग्जैक्टली। नहीं नहीं भाभी जी, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। हम खुद लफड़े में फंस सकते हैं, लेकिन आपको लफड़े में नहीं फंसा सकते भाभी जी। बंद करिए अपना ये मेलो ड्रामा। हाँ नीता जी, आप है ना लड्डू के भैया को गलत ना ही समझिए। उनका कौनो गलती नहीं है, उनको भी कुछ ना ही पता था इसके बारे में। वो तो बिल्कुल सेंट है। Which is not sent, it's innocent. सही पकड़े हैं। आप लोगों को पता भी है इस बैग में क्या है? क्या है भाभी जी? RDXS में। ये RDX का होता है? भाभी जी पटाखे की तरह है, जैसे हम छोड़ते ना वो अनार फुर्र, वो चक्री कर, और वो फुलझड़ी और वो सुतली बम, छोटा सा होता है लेकिन बम करके फटता है। आओ जो दिवाली पर जलाते हैं। That's right, भाभी जी, that's right. क्या कर रहे हो, क्या समझा रहे हो उनको? RDX की क्लास ले रहे हो? गौरी जी RDX बहुत खतरनाक बारूद होता है। अगर फट गया तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। बाबू जी जरा खोलिए, देखिए जरा RDX कैसा होता है, जरा खोलिए। जी हमारी जान जान नहीं है, आपकी जान जान है, हा? आपका क्लाइंट था ना, आप खोलिए, बैग आपका है। अरे हम क्यों खोले भाई, हम नहीं खोल सकते। एक नंबर के डरपोक हैं आप। अरे तो आप भी तो डरपोक हैं। फटलू से फटलू सा। आप है आप दोनों ही डरपोक हैं। रहने दीजिए, मैं ही खोल देती हूँ। Everybody down! ये क्या हो रहा है? Maybe अगर फट गया तो? ऐसे कैसे फट जाएगा, कहाँ फटा है? वो तो नहीं फटा लेकिन इनकी। अनीता जी जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं, दे देते हैं ही जाकर। गुरुजी ये बात मेरे भी दिमाग में आई थी, लेकिन पुलिस हम पर यकीन नहीं करेगी, उल्टा हमें पकड़ लेगी, बहुत संगीन मामला है। लेकिन भाभी जी अब इस RDX का क्या करें? एक काम कीजिए जी, RDX सब्जी बनती है, सब्जी बनाइए, पूरी के साथ खाइए और खा के फट जाइए। क्या करें, एक ही रास्ता है इसका, इसको शहर से बहुत दूर ले जाकर डंप कर दें बस। मतलब कहाँ? भेजता हूँ एड्रेस आप GPS से। ठीक। भगवान तुमने आतंकवादी काय बनाए, न दिन को चैन है न रातों को नींद है, नो नो ठैया अलग से पालो सटक। अरे दरोगा जी, इतनी रात को अकेले अकेले किधर भटक रहे हो आप? भटक रहे को का मतलब है ससुर? आपके अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी गुइया की ड्यूटी कर रहे हो? कबूलो कबूलो, ये बोल रहा हूँ कि आतंकवादी शहर में आपके नाक के नीचे घुस आए हैं, आप किसी को पकड़ तो ना पा रहे। तू यार ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। आतंकवादी सतर बकरिया को बच्चा है का, कैसे दौड़े और पकड़ ले झट से? ध्यान दे रहा हूँ फालतू को सतर? तो जो ये वर्दी पहन रखी है ना, वो का टमाटर बेचने को पहन रखी है? बकवाने सारे। दरोगा जी टीका बिल्कुल सही कह रहा है, आपकी जो ये दरोगाई है ना,
ये बस टीका मलखान जैसे मासूम बच्चों पर ही चल सकती है। आतंकवादियों को देखते ही आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अब तुम शुरू हो गए सटर। जो हकीकत होती है वही बयान करता हूँ मैं। अब हम तुम्हें एक बढ़िया हकीकत बताएं। हमें अब ऐसा लग रहा हुआ कि तुम हमारे हाथों से अबे के अबे पिटवी वाली हो और कैसे। I like it. सक्सेना भैया, मैं आज तक एक बात समझ में ना आई कि इस मोटे पेट वाले पिटल्लू आदमी को दरोगा किसने बनायो? लौंडे, तूने 100 रुपए की बात की है। डेफिनेटली इनसे कहीं ज्यादा फिट तुम हो। अच्छा, जो कलूटो भैंसा तुम्हें हमसे ज्यादा फिट लग रहा है? हूँ, मैं हूँ, फिट हूँ। तुमसे ज्यादा फिट हूँ दरोगा जी। नहीं तो आपको विश्वास ना हो रहा तो यहाँ पर कुश्ती लड़ लो, मेरे साथ दंड पेल लो। और हमसे हमसे कुश्ती लड़े को सारे? ये देखिए, ये जो आपके झुंझलाट है ना, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप इस बहादुर बच्चे से डर गए हैं। सारे I like it. ऐसा है बहादुर, मेरा मतलब है ऐसा है दरोगा अप्पू सिंह जी, कि आप चाहे कितना भी मार लें यहाँ पे हमें, आपकी बहादुरी साबित नहीं होगी। अगर आपको अपनी बहादुरी साबित करनी है, अपनी बहादुरी दिखानी है, तो मैदान जंग में आइए, मैदान में आइए, दिखाइए अपनी बहादुरी, और तब जनता तय करेगी कि आप सचमुच बहादुर हैं या नहीं। लौंडे भैया, आ जा, तुझे छिपकली पैक पिलाता हूँ। वाओ, छिपकली को पैक भैया, कॉकटेल वालों पैक? अरे कॉकटेल बिल्कुल छिपकली और कॉकरोच का जबरदस्त कॉकटेल है। रात भर जाम से जाम टकराए जा, जब नशा छाएगा। हेलो अनीता जी। हाँ हम बाहर ही हैं। नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं है, नहीं कौन पुलिस वाला भी नहीं है, नहीं नहीं बम खोजी कुत्ता भी नहीं दिख रहा है। हाँ एक तो कुत्ते दिख रहे हैं, लेकिन वो अमरीका नहीं के ही हैं, हम जानते हैं उनको। आ जाइए आ जाइए। हाँ हम लोग आ गए गली में, तिवारी जी मेरे साथ हैं। वहाँ तो कोई नहीं था। नहीं, नहीं कोई नहीं था। कोई नहीं है, मैदान एकदम साफ है। अच्छा तिवारी जी, अब ये वक्त सही है, जल्दी से विभू को बुलाइए। हाँ। म्याओ, 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 म्याओ। सुन म्याओ लगा, म्याओ लगा रखा है। आपको तो कुत्ते की आवाज सूट करती है। कोई है तो नहीं बाहर? कोई नहीं है, भाभी जो नजर रखी थी, कोई नहीं है, मैदान एकदम साफ है। आइए जल्दी आइए, आइए चलिए। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू? लुकिंग क्वाइट प्रीटी टुडे। देखो ये हेलो हाउ आर यू करने का टाइम है? पुलिस आएगी ना यहाँ, अच्छे से खैरियत पूछ लेगी तुम्हारी। जाओ जल्दी से। लेकिन जाना कहाँ है? अरे किसी ऐसी जगह जाओ ना जहाँ किसी का आना जाना ना हो, कोई सुनसान जगह हो। कानपुर में कहाँ मिलेगी ऐसी जगह? ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? नहीं नहीं बरबुती जी, हमारी गली का कुत्ता होगा। कौन हो? भाभी जी गली का कुत्ता नहीं है ये, ये कोई एजुकेटेड डॉग है, पढ़ा लिखा कुत्ता है। हमारे गली कुत्ते सारे के सारे अनएजुकेटेड अनपढ़ गंवार है। I know them. यार आपको कुत्तों के बारे में बड़ी जानकारी है। I know you so well. अरे यार आप एक काम कीजिए, जल्दी जाइए, नहीं तो कुत्ते आपको कुत्ता बना देंगे, समझे? जाओ ना, जाओ जाओ। Alright, alright. पीछे काले मैदान है, वहीं डंप करके आता हूँ उसको। जाओ जाओ जाओ। मुझे विश मिला। हाँ, जाइए। Best of luck. चलिए चलो। चलो thank God. विश चलो कुत्ता। हेलो एवरीबॉडी। हेलो कमिश्नर साहब। हेलो कमिश्नर साहब। अरे पगली कमीशन नहीं, कमिश्नर होता है पगली। सही पकड़े हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
नहीं बस ऐसे ही हम लोग सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे थे जी। ये कुत्ता कितने का खरीदा? अरे यार तिवारी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? जो कमिश्नर साहब को कुत्ता ना है, जो बम खोजी कुत्ता है, मतलब बम को खोजते हुए जो है। ठीक है ठीक है, अरे ठहर जाओ ना यार, बम खोजते हुए यार जो। हाँ लेकिन बहुत प्यारा कुत्ता है, इसका नाम क्या है कमिश्नर साहब? नाम तो इसका हप्पू है, लेकिन ये पता नहीं बार बार भाभी के कमरे में घुसने की कोशिश क्यों कर रहा है।